मेरा नाम है अंकित। मैं आज आपको घरों पे जो वायरिंग होती है उसको इसमें हम आपको बताते हैं कैसे घरों पे वायरिंग की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये इलेक्ट्रिक मीटर होता है। मीटर में हमारा फेस और न्यूट्रल होता है और आउटपुट में भी फेस न्यूट्रल होता है। जो हमारा न्यूट्रल होता है ये जाके सीधा बाईपास होता है और ये जो फेस रहता है इसको हम NCB के थ्रू इसको कट ऑफ करते हैं। मान लीजिए कभी आपको बंद करना है या कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो MCB इसको कहते हैं MCB, इसमें जाके ये आया फेस। तो इसमें क्या होता है कि हमने लगा दिया MCB को। मीटर ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो बाहर लगे होते हैं घरेलू में, उसमें हमारा फेस जाता है न्यूट्रल जाता है। फेस इधर से इन होता है और इधर से फेस आउट होता है। न्यूट्रल भी ऐसे होता है आउट होता है। हम लोग क्या करते हैं फेस में लगाते हैं एक फ्यूज। कभी मान लीजिए आपके घर पे शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है मतलब जल जाता है। उसके बाद फ्यूज के बाद हम लोग आते हैं MCB। MCB इसलिए लगाते हैं कभी कोई जरूरत पड़ रही है तो हम MCB को डाउन करके अपना वर्क कर सकते हैं, फ्यूज ऑन कर सकते हैं। उसके बाद एक फेस आया है, एक हमारे इलेक्ट्रिक फेस, ये आया इधर एक सॉकेट लगाया गया बोर्ड। तीन मॉडल का बोर्ड होता है, एक जो इन्वर्टर चार्ज करने के लिए लगाया जाता है जिसमें हमारा एक साइड न्यूट्रल होता है एक साइड फेस होता है। तो फेस आता है इस पे गया स्विच पे, अधिकतर हम लोग स्विच पे ही फेस कंट्रोल कर सकते हैं। जो फेस होता है उसको स्विच पे ही कंट्रोल करना होता है। जो फेस होता है मैं हर बात पे कहता हूँ कि सभी लोगों को ध्यान रखिएगा कि फेस को स्विच पे ही कनेक्ट करेंगे हर समय। कोई भी उस पे होता है, कोई भी सॉकेट हो या कुछ भी हो, फेस स्विच पे ही कनेक्ट करते हैं अधिकतर। ये फेस आया, ये फेस इस पे गया स्विच से, ये ऑन हुआ, ये इन्वर्टर पे गया सप्लाई, ये फेस इन्वर्टर पे जा रहा है, ये न्यूट्रल जा रहा है। अब इन्वर्टर का काम क्या होता है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी रहती है वो चार्ज करता है। चार्ज करने के बाद हमारा आउटपुट इसमें सॉकेट होता है कि सॉकेट होता है इसमें फेस न्यूट्रल दोनों खांचे होते हैं। मगर हम लोग यहाँ से क्योंकि फेस ही उठाते हैं, न्यूट्रल के दो तार नहीं जरूरी होता है क्योंकि न्यूट्रल हमारे यहाँ से उठा लिया ना इसने पहले ही से, न्यूट्रल इन्हें यहाँ से उठा लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। सिर्फ फेस लेके जाते ही इन्वर्टर फेस हो जाता है। अब हमारा एक साइड पे हमारा फेस हो गया इन्वर्टर फेस, एक साइड पे हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाला फेस। अब जैसे कि बात करें हम वोल्ट मीटर से इसको चेक करेंगे कि ये फेस इन्वर्टर फेस और इलेक्ट्रिक फेस दोनों को चेक करेंगे तो इसमें आएगा हमारा वोल्टेज 440 भी आ सकता है, 460 भी आ सकता है, 480 भी आ सकता है। जब 220 तो ये इन्वर्टर का तो रहेगा ही रहेगा, 220 इन्वर्टर का रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का 220-240 जो से वोल्टेज आता है, कभी कभी वोल्टेज 58 भी होता है ना। उसके बाद ये हमारा आया ये AC के लिए। AC के लिए हम लोग ना डायरेक्ट यहाँ पे AC का पावर बोर्ड 16 एम्पियर का, अधिकतर 16 से 25 एम्पियर का बोर्ड लगाते हैं, इसको लगाया गया, AC ऑन किया गया। उसके बाद ये हमारा जो फेस आगे गया, फेस ये गया हमारा जैसे कि हमको ये आपका एक कमरे की, मान लीजिए यहाँ से एक कमरा है आपका, ये आपका कमरा है, उसमें आपका नाइट बल्ब भी लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, एक लाइट लगा हुआ है, एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है। नाइट बल्ब को तो हरदम हमें इन्वर्टर से रखना ही होता है, फैन को भी रखोगे और एक लाइट को तो रखना ही पड़ेगा। बस ट्यूबलाइट की बात हो तो ट्यूबलाइट हमारी उससे इलेक्ट्रिसिटी वाली फेस से चलेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो फेस ये न्यूट्रल दिख रहा है आपको, न्यूट्रल मैंने ब्लैक से दर्शाया इसलिए कि देखिए हर जगह पर न्यूट्रल, ट्यूबलाइट में भी न्यूट्रल गया, लाइट में भी न्यूट्रल गया, फैन में भी न्यूट्रल गया और नाइट बल्ब में भी न्यूट्रल गया। तो सब न्यूट्रल मिला के हम इस ज्वाइंट पे लगा दिए इसको। और उसके बाद अब हो गया हमारे जो सॉकेट को सप्लाई कैसे आएगी, तो सॉकेट हमारा इन्वर्टर से इन्वर्टर फेस दिखे मैंने लिख के भी रखा है, इन्वर्टर फेस आया। इन्वर्टर फेस आने के बाद इस ये जो आपके स्विच होते हैं स्विच में कनेक्ट कर दिए, स्विच में कनेक्ट होने के बाद आराम से ये चलेगा। जैसे कि आपको लाइट चली गई तो आपका ये आपका सॉकेट चलेगा, फैन चलेगा, नाइट बल्ब चलेगा और लाइट जलेगा। बाकी रह गई आप ये आपका ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले फेस से चलेगी। तो आज वायर का यूज लोग के अनुसार देखेंगे, जैसे कि हमें फैन में कितने एमएम का वायर की जरूरत पड़ती है और ये आपका एसी में कितने एमएम का वायर की जरूरत पड़ती है और ये आपका इन्वर्टर, इन्वर्टर की जो वायरिंग होती है उसमें कितने एमएम का तार डालते हैं। सबसे नंबर वन हमारा जैसा कि होता है एक पंखे का, एक कमरे में फैन बना, फैन है, फैन हो गया और ये आपका कूलर हो गया और आपका ये फ्रिज हो गया और ये चिमनी हो गया। इसमें हम लोग जो उधर से फेस न्यूट्रल लेके आते हैं तो इसमें हमारा 2.5 mm का वायर होना चाहिए, 2.5 mm का वायर होना चाहिए। और इसमें जो अब ये जैसे फैन है, फैन को सप्लाई देना है तो 1 mm के वायर से कर दीजिए, फ्रिज को करना है तो 1.5 mm पे करिएगा। ऐसे क्या तो 2.5 लोड के हिसाब से
कि फ्रिज कितना, फ्रिज तो हमारा 350 वाट से लेके, 350 वाट से लेके आपका 850 वाट तक होती है फ्रिज में, जो वाट वाट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वाट के हिसाब से बताते हैं। और जैसे कि हमको इन्वर्टर, ये आपका एसी, जैसे ये आपका एसी लगा है, इसमें कितने एमएम का इनपुट कराना चाहिए, जो बोर्ड पर लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो मेन मीटर से जो कनेक्शन होता है वो हमारा 4 mm पर जाता है, 4 mm जाएगा हमारे एसी के लिए, गीजर के लिए 2.5 mm, गीजर के लिए 2.5 mm। हेलो गाइस, हम आज आपको टू वे स्विच के बारे में बताते हैं। टू वे स्विच क्या होता है, जैसे कि जीने में हम लोग जो सीढ़ियों में चढ़ते हैं, एक स्थान से चलते हैं दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीच में लगा होता है बल्ब, हम नीचे से जा रहे हैं तो इसको ऑन करेंगे और ऊपर से जाके इसको ऑफ कर देंगे, या ऊपर से ऑन करेंगे नीचे आके ऑफ करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं टू वे स्विच। जैसे कि हमारा ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो फेस को हम लोग क्या करते हैं, ये एक आपका फेस मान लिया, इसको मान लिया न्यूट्रल, तो हम लोग ये फेस न्यूट्रल लेके जाके इसको इसमें लगाएंगे और इसको जाके इसमें लगाएंगे, और जो हमारे फेस है, फेस इसको मानते हैं फेस, इसको कर दिया फेस, इसको कर दिया न्यूट्रल, इसको कर दिया न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। तो और हमें करना क्या है कि ये आपका जो एक ये टर्मिनल खाली है और एक ये टर्मिनल खाली है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक इस पे लगा के इसको बल्ब, जो बल्ब है हमारा एलईडी बल्ब, इसमें हम इसको मान लिया फेस न्यूट्रल, न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल इसको न्यूट्रल बोल दिया, और ये वाली लाइन को फेस बोल दिया, ये फेस हो गया। अब हमें जैसे जीने में जाना है, सीढ़ी पे चढ़ के अपना ऊपर जाके बंद करना है, तो यहाँ पे गए हमने बटन ऑन किया, ये बल्ब जल गया, और उधर से आप पहुंच गए इसको ऑफ कर दिया। ये हमारे दो स्विच रहते हैं, जैसे सिंगल सॉकेट में ऐसे इस तरह प्रकार रहता है कि एक ये, इसमें क्या रहते हैं टू वे है, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। टू वे में क्या होता है, बीच में हमारा मेन होता है और इधर एक स्विच काम करता है, एक इस पे काम करता है, इसको कहते हैं हम लोग टू वे कनेक्शन। टू वे कनेक्शन अधिकतर सीढ़ी में होता है, बेडरूम में होता है, कि जैसे एक कमरा मान लीजिए, ये एक ये आपका कमरा है, कमरा है, ये आपका मेन गेट है, मेन गेट के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, आपने यहाँ से ऑन किया टू वे जो कनेक्शन होता है, जैसे आपको बताया इधर, और आपका ये बेड पड़ा हुआ है, बेड के पास गए और ऑफ कर दिया, कि मान लीजिए हमें जगना है, यहाँ से कमरे में गए और कमरे में जाने के बाद हमें यहाँ से बंद करना है, तो बंद कर दिया। ऐसे ही हमारा सीढ़ी में यही वर्क करता है, कि हम लोगों ने आते हैं जैसे कहीं जा छत पे जाना हुआ कि लाइट नहीं है, नीचे से गए ऑन किया, ऊपर से जाके बंद कर दिया, या ऊपर से ऑन किया नीचे से बंद कर दिया, बस हम लोग को ये टू वे। हेलो दोस्तों, मैं आपको डोर बेल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपको डोर बेल कैसे वर्क करता है। डोर बेल के लिए फेस न्यूट्रल चाहिए, और फेस हमारा जाता है उस बटन पे, फिर उस बटन से वापस आता है, जब आप प्रेस करेंगे इधर, जैसे कि कोई चीज को प्रेस करेंगे तो इधर ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जहाँ छोड़ेंगे तुरंत बंद हो जाएगा, तो इधर जाके सबका इस डोर बेल को फेस न्यूट्रल जब मिलता है, जब फेस मिलेगा तो बजने लगती है, इस यही सिस्टम होता है डोर बेल का।